प्रिय विद्यार्थियों वंदे मातरम। SST यानी कि सामाजिक विज्ञान 2022 का अंतिम परीक्षा परिणाम आ चुका है। आश्रम से अनेक विद्यार्थियों का चयन हुआ है, उसी अनेक विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी श्री केवाराम हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात, श्री केवाराम ने पूरे प्रदेश भर में SST विषय में 8वीं रैंक अर्जित की है। तो केवाराम जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो क्या महसूस हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है केवाराम जी? सर, बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि मैंने पूरे प्रदेश में 8वीं रैंक हासिल की, क्योंकि ये SST विषय में 8वीं रैंक हासिल करना बहुत कठिन काम है। हाँ बिल्कुल, सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसका पाठ्यक्रम बहुत ही विशद है, बड़ा है, तो उसमें सफलता अर्जित करना अपेक्षाकृत जटिल है। लेकिन आपने तो 8वीं रैंक अर्जित करके हम सबको गौरवान्वित कर दिया है। तो गांव कौन सा है आपका? मेरा गांव बड़सम है, सांचौर जिले में। ठीक है, शैक्षणिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी 10वीं 58% से क्लियर हुई है और उसके बाद 12वीं हुई है 65% से। मैं एक सामान्य सीमांत कृषक परिवार से ही हूँ, इसी कारण मैंने आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए मैंने स्टेशनरी 12वीं करने के बाद स्टेशनरी दुकान पे काम किया कम से कम 5 साल। उसके बाद BA BEd की और उसके बाद मैंने हमारे यहाँ से सर हैं सिंदरपाल सिंह जी, CP सर के नाम से। CP सर, उनको सब CP सर के नाम से जानते हैं। CP सर नाम से। ठीक है। उन्होंने मुझे आगे प्रेरित किया और सकारात्मक सोच के साथ कि आप आगे तैयारी करो, आप गवर्नमेंट जॉब लोगे, बढ़िया रहेगा। तो मैंने, उन्होंने कहा कि आप भाटिया आश्रम चले जाओ। हाँ। तो मैंने भाटिया आश्रम ज्वाइन किया, 20 जनवरी 2021 को मैंने भाटिया आश्रम ज्वाइन किया। तो जब आप यहाँ पर आ गए तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपकी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति विपरीत है, तो आर्थिक स्थिति का संचालन किस प्रकार से हो रहा था? आर्थिक स्थिति का तो मैं दुकान पे काम करता था, तब तो मैंने खुद ने वो हैंडल किया पूरा काम, आर्थिक स्थिति। उसके बाद मैंने छोटे भाई को, मेरे भाई को रखा था वहाँ का उस काम पर ही मेरी जगह, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने यहाँ रीट की तैयारी स्टार्ट की, तो रीट में मेरे बढ़िया पेपर हुआ था, उसमें मेरे 138वीं रैंक आए, 138 नंबर आए थे। उसके बाद मेरा सिलेक्शन से और था, परंतु किसी कारणवश पेपर कैंसिल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसी समय मेरे छोटे भाई वो दुकान पे था जीवाराम, वो ऑफ हो गया और निधन हो गया। हाँ, निधन हो गया। तो उसके बाद मेरी पारिवारिक स्थितियाँ बहुत विपरीत हो गई थी, क्योंकि सब जो कमाने वाला वगैरह सब चला गया था। इसी कारण बाद में मैंने वापस, मेरे CP सर हैं उन्होंने मुझे आगे और सपोर्ट किया कि आप आगे बढ़ो। अच्छा, CP सर ने, मतलब श्री छिंद्रपाल सिंह ने आपको आर्थिक मदद भी प्रदान की? हाँ, आर्थिक क्या मदद, बात है, हाँ, क्या आर्थिक बात मदद है। भी प्रदान की कि आप आगे बढ़ो और ये कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ रही उसमें आपके भाटिया आश्रम वापस चले जाओ। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद मैं वापस अप्रैल 2022 में यहाँ भाटिया आश्रम ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने लगातार यहाँ मैंने भाटिया आश्रम का शेड्यूल फॉलो किया, लगातार क्लासें ली और उसके अनुसार ही मेरे ये सब्जेक्ट क्लियर हुआ और बढ़िया पेपर हुआ। मतलब कुल मिलाकर आपने शेड्यूल फॉलो किया, क्लासेस में रेगुलर आए। अच्छा, जो टेस्ट हम लोग लेते थे उसमें आपकी क्या रैंक आती थी? मेरी उसमें रैंक तो टॉप 5 में रहती थी, पहली दूसरी तीसरी कम से कम तो रहती थी। अच्छा, क्या बात है, इसीलिए आप यहाँ पर रेगुलर जुड़ा रहा, एक मोटिवेशनल मिलता रहा। और नोट्स वगैरह भी बनाते थे? हाँ, मैं रोज़ क्लास आता था, उसके अनुसार मैंने नोट्स बनाए क्लास में आगे। हमारे वो पुरुषोत्तम जी सर हैं, उन्होंने मुझे नोट्स बनाने आगे प्रेरित किया बढ़ाने आगे बढ़ने के लिए। विनोद जी सर हैं, उन्होंने बढ़िया नोट्स बनाए, वही एग्जाम में सर्टिफिकेट काम आया। बिल्कुल, ये बात तो आपकी सही है। तो आपने तो 8वीं रैंक आने का राज बता ही दिया। अच्छा, कोई रणनीति अपनी भी बनाई क्या आश्रम के? नहीं, मैंने तो रणनीति तो आश्रम के अनुसार ही मैंने फॉलो किया, क्योंकि मेरी रणनीति तो मैंने कोई बनाई नहीं थी, मैंने आश्रम ज्वाइन किया था उसी के अनुसार चलता था। बहुत बढ़िया केवाराम जी। अच्छा, अब अंत में आप हमारे विद्यार्थियों को, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लगातार मेहनत करें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मैंने भी 3 साल लगातार मेहनत की, उसके अनुसार ही मुझे इसी दौर में पेपर भी कैंसिल हुए और कई परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ रही, उसके बाद मैंने लगातार तैयारी की। और आप जब भी पढ़ाई में मन नहीं लगे तो अपने माता पिता के सामने याद करना माता पिता की, वो किस परिस्थिति में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए किस तरह मेहनत कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार आप याद करते रहो, तो अपने आप और गुरुजनों का आशीर्वाद रहा तो अपन बढ़िया सफलता प्राप्त करेंगे।
बिल्कुल केवराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सांचौर से आप आश्रम में सबको मिठाई खिलाने के लिए आए हैं, ये बात भी मुझे बड़ी प्रेरणास्पद लगती है और हमें मोटिवेट भी करती है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।